हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही टेस्टी सा गोभी फ्राइड राइस बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही कम वक्त में बनाएंगे। इसके लिए पहले मैंने 3 चम्मच बेसन लिया है, 2 प्याज, 5 से 6 हरी मिर्च और 1 कप गोभी लिया है मैंने। पहले हम बेसन का एक गोल बनाएंगे। उसके लिए हम बेसन में 1/4 चम्मच नमक और 1/2 कप पानी डाल के एक रने सा बैटर बना लेंगे, कुछ इस तरह। गाढ़ा नहीं होना चाहिए, देखिए कैसा है। अब एक बर्तन में पानी गर्म करने रखेंगे, उसमें 1/2 चम्मच नमक डाल के पानी बॉईल होने तक रखेंगे। उसके बाद उसमें गोभी डालेंगे, क्योंकि गोभी में कीड़े होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद 5 मिनट गोभी उस गर्म पानी में रखने के बाद उसे छान के जो बेसन का बैटर मैंने बनाया था उसमें डाल के मिला रही हूँ। अब दूसरी ओर गोभी फ्राई करने के लिए तेल गरम करने रखेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो बेसन और गोभी का जो मिक्सचर हम बनाए उसे फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही मिनट लगेगा। बहुत ही क्रिस्प नहीं बनाना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है, मीडियम फ्राई करना है इसे। गोभी को अच्छे से फ्राई करेंगे, एक तरफ थोड़ा सा हल्का रंग बदलने के बाद दूसरी ओर भी पलटेंगे, ताकि अच्छी तरह से हर तरफ से फ्राई हो जाए। फ्राई होने के बाद सारे गोभी को तेल से निकालेंगे। हम 2 चम्मच तेल गरम करने रखेंगे, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच कटी हुई प्याज और कटी हुई मिर्ची डालेंगे। एक मिनट वेट करते हैं ताकि प्याज और मिर्ची अच्छे से फ्राई हो जाए तेल में। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। पहले नमक बहुत ही कम डालिए, क्योंकि हम इसमें सोया सॉस भी यूज़ कर रहे हैं। 1 चम्मच सोया सॉस मिला रही हूँ और 1 चम्मच विनेगर। उसके बाद 2 चम्मच फ्राइड राइस मसाला डाल रही हूँ, अच्छे से मिला के। कुछ सेकंड्स मिलाने के बाद जो गोभी हम फ्राई करके रखे हैं उसे भी इसमें मिलाएंगे, और कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। मैंने पहले से राइस बना के रखा है, उस राइस को इस गोभी मिक्सचर में मिला रही हूँ अच्छे से। बहुत ही हल्के हाथों से मिलाइए, ताकि चावल टूटे नहीं। स्टोव अभी भी बहुत तेज आंच में है। फ्राइड राइस हमेशा
तेज आंच में ही बनना चाहिए और आयरन तवा ही यूज़ करिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लीजिए हमारा फ्राइड राइस रेडी हो गया। बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी, चटपट बनने वाला फ्राइड राइस बना के टेस्ट करके बताएगा ज़रूर कैसा था।